डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में प्रावधान है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, कौन सी पद्धति उसमें होगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ में प्रावधान है। राष्ट्रपति की पदावधि अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होगी, लेकिन इससे पूर्व ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यता क्या है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, और इसके संदर्भ में आगे अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा शर्तें का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए कि यदि वो विधानमंडल या संसद के किसी सदन का सदस्य है तो तब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो उस समय से उसका स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया गया होता है और राष्ट्रपति को दूसरी अनुसूची में वृद्धिष्ट उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेता है और संविधान के संरक्षण और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। अतः भारत का राष्ट्रपति न केवल व्यवस्थापिका की एक महत्वपूर्ण कड़ी है अपितु कार्यपालिका की भी एक
प्रधान कड़ी है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं और उसमें राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका अदा करता है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं या योग्यताएं, जैसा पहले बताया कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लेकिन इसमें अपवाद है कि संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ तथा राज्य के मंत्रियों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यानी ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसा कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल का प्रावधान है, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। कहने का तात्पर्य, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, ओनली निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। संसद तथा राज्य और संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा एक जिसका एक सूत्र है, फार्मूला है, उसके विषय में हम अगले इलेक्शन में अध्ययन करेंगे और उसी में भारत के राष्ट्रपति अब तक कौन कौन रहे हैं उसके संदर्भ में भी अध्ययन किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये अवश्य ही आपको ध्यान रहना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विषय में पूछा गया है, तो ये ध्यान रहे केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। धन्यवाद।